आ जाओ सारे फ्रूट फ्री में ले जाओ, आ जाओ सभी फ्रूट फ्री में ले लो आ जाओ फ्री में ले लो सारे फ्रूट फ्री में। अरे अंकल, आप क्या सच में सारे फ्रूट फ्री में दे रहे हो क्या? हाँ बेटा, सारे फ्रूट फ्री में, जो मन में ले जाओ। अब पहले मैं ले लूंगी, तुम भाभी ले लेना। हाँ ले लो बेटा, ले लो फ्री में। हाँ ये पपीता सारा उठा लो, ये अंगूर के डब्बे उठा लो, ये नीचे क्रेट खाली करो, ले लो सारा कुछ ले लो। अरे हाँ, सब कुछ फ्री में है, जो मन करे वही उठा लो, ले जाओ लूट मची है, ले जाओ। अरे अंकल जी, आप यहाँ? अरे मेरे फ्रूट कहाँ गए? वो क्रेट में जो फ्रूट पड़े थे कहाँ गए हो? अरे बेटा, वो सारे फ्रूट मैंने लोगों में फ्री बांट दिए। क्या पागल हो गए आप? मैं आपकी हेल्प करने के लिए एटीएम से पैसे निकलवाने गया, आपने मेरा सारा ठेला बिकवा दिया। क्योंकि मैं यही चाहता था, इसलिए मैंने तुझे एटीएम से पैसे निकालने के लिए भेजा। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता है तू ना एक नंबर का ठग है, और इसलिए मैं तुझे सबक सिखाना चाहता था। अरे भैया, 3 किलो संतरे कर देना जरा। जी मैम साहब। ये लीजिए मैम साहब। भैया मैंने आपको 3 किलो संतरे बोला था, ये तो मुझे 2 किलो से भी कम लग रहे हैं। अरे मैम साहब, आपके सामने तो तोला है, दिखाया तो था आपको। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या, ये आदमी तो लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। टिल्लू। जी साहब। टिल्लू मेरा एक काम कर दे, ये पकड़ मेरा एटीएम कार्ड और सामने एटीएम से ना मुझे 20,000 रुपये निकाल के ला दे, तब तक मैं तुम्हारी रेडी देखता हूँ। जी साहब। अब पिन बताइए। पिन है 0030। जी साहब अभी आता हूँ। अबे बुड्ढे, मैंने तेरी हेल्प की और तूने मुझे पागल बनाया, लेकिन तुमसे ज़्यादा होशियार तो मैं हूँ। तुम्हारे 20,000 की जगह मैंने 50,000 रुपये निकाल लिए, तुझे क्या लगा कि मैं तेरी मदद करने के लिए ऐसे तैयार हो गया? मेरे से ज्यादा नुकसान तो तेरा हुआ है। अरे बेटा, उम्र से ज्यादा तजुर्बा है मेरा, वो देख। पुलिस। हाँ पुलिस, अब पुलिस ही तुझे सबक सिखाएगी, तुझे ससुराल लेके जाएगी, यानी कि जेल। जय हिंद सर। जय हिंद। साहब आप हो कौन? अरे बेटा, मैं ना एक रिटायर्ड SHO हूँ, और तेरी रेडी के फ्रूट मैंने इसलिए लोगों को फ्री में बांटे क्योंकि ये उनका हक बनता था। पर तेरे लिए ना ये सजा काफी नहीं है, क्योंकि आज तो तू ये सह लेगा लेकिन कर को फिर यही करेगा, पर मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है कि तू लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है, इसलिए ना मैं तुझे चोरी के इल्जाम में फंसाऊंगा। क्या तू मेरे ATM चुरा के ले गया और सामने जाके ATM से 50,000 रुपये निकाल लाया? इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसे। अरे नहीं बुड्ढे, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, छोड़।